पहले तो मैं जिहड़े मेरे प्रेस दे वीर आए ने इन्हां दा धन्नवाद करदा हाँ, स्वागत करदा हाँ। तुसीं अपना कीमती समां कढ के इत्थे टाइम दित्ता, बहुत शुक्रगुजार हाँ। मैं अपने बारे दसदा, मैं राणा पवन कुमार रखड़ा, 2002 तो मैं वरिष्ठ उप प्रधान जिला कांग्रेस कमेटी शहरी वालों कांग्रेस नूं सेवावां दे रहा। मैं पिछले 9 प्रधानों नाल काम कीता जी, एज सीनियर वाइस प्रधान, 4 वारी जुगल जी की प्रधानगी, दरबाई लाल जी की, ढींगरा साहब की, अपना साढ़े चेयरमैन साहब सहदेव होरां दी, अपना भगत जी की, मैडम सोनिया। 9 टर्मा मैं प्रधान वजों नाल कटियां अपनियां एज अ सीनियर वाइस प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। दोस्तों अज जिहड़ी है चर्चा, एहो चर्चा 2018 विच वी सी। चुप कराओ। 2018 दे विच राजवीर शर्मा भी ऐसे दौड़ दे विच सी, प्रधानगी दी दौड़ दे विच सी, ते मैं उदों जाखड़ साहब नाल उस वेले दे प्रभारी मैडम आशा जी नाल, हरीश चौधरी जी नाल यह मसला चुकिया सी। हैलो। ते जदों उन्हां नालों कोई जवाब नहीं मिलिया, ए एक मैं लैटर दित्ती सी अपना जाखड़ साहब नूं 26/6/18 नूं, जिहदे विच मैं उन्हां नूं कहा सी प्रधान साहब यह परिवार पिछले कई दशकों तो BJP RS दे नाल काम करता आ रहा है। इन्होंने BJP दे तरफ से अमृतसर नगर निगम की मेयरशिप भी भोगी है। अभी हाल ही में नगर निगम चुनाव में अपनी भाभी जो कि वार्ड नंबर 29 से BJP की उम्मीदवार थी का साथ देते वह प्रचार करते नजर आए। एक ही घर में ऊपर नीचे रहने वाले इन दोनों भाइयों का कारोबार इकट्ठा है। ऐसे व्यक्ति जिनकी जड़ें BJP RSS की हैं और जो कांग्रेस की विचारधारा से संबंधित ना हो, उन्हें शहरी कांग्रेस की जिम्मेदारी देना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। जाखड़ साहब ने जदों इस लैटर से कोई कार्रवाई नहीं की, तो मैं अपने प्रधान राहुल जी नाल टाइम लैके उन्होंने मुलाकात की सी, ते उन्हां नूं सारी स्थिति तो अवगत कराया सी भी अमृतसर कांग्रेस दे विच ए चल रहा। कदों मिलिया? मैं मिलिया सी जी उन्हां नूं 1/8/18 च। उन्होंने अपने जिहड़े उन्हां दे PA सन कौशल विद्यार्थी जी, उन्हां नूं मेरे नाल गलौत जी को भेजिया। गलौत जी ने जिहड़े साढ़े जनरल सैकटरी सन उदों AICC दे, सारे मसले नूं उन्होंने समझदिया होया मेरी लैटर नाल राहुल गांधी का नोट ला के, क्योंकि उदू इको ना गया सी जी, पैनल नहीं सी गया उपर, कला इको ना सी राजवीर शर्मा नूं अमृतसर का प्रधान बनाया जाए। लेकिन वो राहुल गांधी के हस्तक्षेप तो बाद अशोक गहलोत जी ने राहुल जी का नोट लगा के जाखड़ आशा कुमारी साढ़े प्रभारी पंजाब दे, हरीश चौधरी जी नूं BJP दी है, यह DNA RSS का है। मैं दसना चाहना कि साढ़े व्डे मेरे फादर एज वार्ड प्रधान शुरू होए, राजकुमार जी ब्लॉक जलाले बाग के प्रधान रहे, जदों यह कांग्रेस भवन बन रहा सी उदू वर्करां का पैसा इकट्ठा करके इस भवन से लगा। असी कभी बर्दाश्त नहीं करांगे कि जिन्हां नाल साढ़े व्डिया की विचारिक मतभेद सन, इन्हां दे व्डिया नाल साढ़े व्डिया की लड़ाई सी, अज उन्हां दा नुमाइंदा, क्योंकि इन्होंने देखिया कि कांग्रेस की सरकार आ गई है, इन्हें अपना एक परिवार का एक बंदा कट के साढ़े बच्चे अवार्ड दिता है। जिदा कोई एक व्यापारी अपनी नवी ब्रांच खोलता है, बई चलो इधर सरकार है तो इन्हों को काम नहीं है, मैं ताड़ी गल ना सहमत हाँ। असी कहने लवो नाल, लेकिन इन्हों कोई ऐसी की रिस्पोंसिबिलिटी ना दी जाए जिन्हें सानू विच कर सक। मैं उस गल ते आ रहा राणा जी कि मैं कहना, मैनू पुछया गया राहुल गांधी ने पुछया, राणा जी तुसी बनना चाहते हो? मैं कहा नहीं, सानू किसी कांग्रेसी के पैरों से बहा दो असी बह जाएंगे, लेकिन असी कभी बर्दाश्त नहीं करांगे कि एक BJP तो RS तो आया बंदा वो साढ़े उत्ते आ गए साढ़े से अपनी विचारधारा थोपे। पैनल की डिमांड करो, पैनल मैं कहना जी पैनल जाए, जेडे नामवर बंदे ने साडे कांग्रेस के, किसे कांग्रेसी नूं बनाया जाए, कांग्रेसी पृष्ठभूमि तो होना चाहिए। असी सहमत हाँ, साढ़े विचों वर्कर सारे वर्कर साथी बैठे ने, कोई बने इन दे विचों, ठीक है। एक साफ छवि का बंदा, एक चंगी इमेज का बंदा कांग्रेस की रहनुमाई करे,
जिथे पौड़ियां चढ़दे होया सानू फकर महसूस होवे कांग्रेस भवन दीआं पौड़ियां चढ़दे होया कि असीं इक चंगे बंदे दे थले काम कर रहे हैं। कांग्रेस नूं लै रहे हैं, ज्योति राज सिंधिया नूं लै रहे हैं। मैं कहा जी कांग्रेस कांग्रेसियां दे विच असीं लकीर छोटी नहीं कर रहे। मैं नहीं कह रहा कि असीं एक्सेप्ट नहीं करते। मैं कहना की रिस्पोंसिबिलिटी उन्हां नूं नहीं देनी चाहिए। प्रधान का पक्ष जिहड़ा पद है वह मुख पद है। अमृतसर कांग्रेस जिहड़ी है शहरी कांग्रेस 5 MLA थले आंदे मैंबर पार्लीमेंट थले आंदा। एक बंदा जिन्हों असी कौंसल दे टिकट दे लायक नहीं समझिया उन्हों असी प्रधान अपने उत्तों हैलीकाप्टर राही प्रधान बन के आ जाए करते हैं जी। पहला सेवा करे साडे वर्करां दी। देखो मैं हाईकमान नूं इहो डिमांड करना, मैं जाखड़ साहब नूं मिलिया सी जिदन सुख जी का मुंडे का जिदन सी ना फंक्शन 6 फरवरी नूं, उदन उन्हां नूं मैं हॉलीडे इन दे विच 209 नंबर कमरे दे विच मिलिया सी जा के ते वर्करां दी 219 नंबर कमरे च ते वर्करां दीआं मैं भावनां नाल अवगत कराया सी कि प्रधान साहब बंदा दो जिहड़ा वर्कर होवे जिहड़ा साडी लड़ाई लड़ सके जिहड़ा अगे होके चल सके जिहदे मगर असीं चलदे होए फकर महसूस कर सकीए। कोई ऐसा बंदा ना दो मैनूं दसो। मैं अज सवाल पुछना चाहुंदा प्रेस को, तुसीं पिछले 3 सालां दे विचों मैनूं दसो कि राजवीर शर्मा दी कोई गतिविधि रही होवे कांग्रेस दे प्रति। मेरे किसी शहरी प्रोग्राम दे विच अज तक मैं उहदी शकल नहीं देखी किसी उन्हें शिरकत की हो। कांग्रेस ने लिख के भेजा कि वो एक्टिव नहीं कढ़े जाए। मैं नहीं असी अपने परिवार के किसी कढ़न की गल नहीं करनी, लेकिन वो जिहड़ा भी आंदा वो आके कुछ समा सेवा करे कांग्रसियों का विश्वास जीते और कांग्रेस के नाल खड़ा होके विपक्षी पार्टियां दीआं गलत नीतियां दे नाल दे उत्ते वो कांग्रसियों नाल चले। वक्त दे नाल अगर उदी वारी आवे तो सानू कोई इतराज नहीं होएगा। राणा जी मेरी इहदे नाल गल होई, मैं तुहानू एक ब्रीफ करना चाहना। विक्रम सिंह दे घर बैठिया गल होई, मैनू कहिंदा मैनू कांग्रेस कौंसलर की टिकट नहीं मिलेगी तो मैं 5 वोटां रह दांगा। मैं कहा यार तू कांग्रेसी तेरे चेहरे तक BJP निकली नहीं, तू अजे भी कांग्रेस नूं हराउण दी गल करदा। इहो जिहा प्रधान सानू एक्सेप्ट नहीं हैगा, असीं किसे कीमत ते उहनूं बर्दाश्त नहीं करांगे। जे इहनूं कितें प्रधान थापिया गया तो मैं यह चीज़ इतने कहना चाहना तुहाडी हाजरी दे विच कि हाजरा झंडे थले बैठ के उत्थे दरी विछा के बैठ के उत्थे दफ्तर चलावांगा कांग्रेस भवन दीआं पौड़ियां नहीं चलांगा। जे इहो जिहा प्रधान साडे ते थुप्पिया गया मैं पार्टी छड्ड के जाण लाणी। मेरी परिवार ने 100 साल इस पार्टी नूं दित्ते ने, लेकिन कांग्रेस दे झंडे थले बह के उत्थों दफ्तर चलावांगे, साथियों नूं नाल लै के असीं उत्थों कांग्रेस चलावांगे। इहदी हाजरी लवाने दे उपर नहीं जाया गया, जिहदी नियुक्ति नाल असीं सारे कौंसलर साहिबां ते अमृतसर जिला कांग्रेस कमेटी सहमति ना होएगी असीं बिल्कुल उहदे पैरलर। प्रधान जिहड़ा साडे वल्लों नियुक्त होया असीं उस साहिबां नाल लै के जिला कांग्रेस कमेटी वो डिसाइड करेगी ते इह अमृतसर जिला कांग्रेस कमेटी नूं चलाएगी। हुण मैं बेनती करांगा पप्पल जी नूं कि पप्पल जी तुसीं मेरे तो पहलों परमजीत जी चोपड़ा ने तुहानूं कई गल्लां दस्सियां, जिस तरह भरोसेयोग सूत्रों तो पता लगा और एक संदेह उत्पन्न होया और उस संदेह कारण ही अज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा। कांग्रेस का प्रधान की 135 साल की पार्टी जिसकी स्थापना 1885 हुई और अज करीब 135 साल हो चले न, कोई कांग्रेस का वर्कर एक कदी मनो नहीं चाहता या नहीं सहन करेगा कि असी किसी BJP पृष्ठभूमि दे व्यक्ति डेपुटेशन ते प्रधान बना के अमृतसर कांग्रेस का मजाक उड़ाइए। सानू बाई बर्थ कांग्रेस दे नाल संबंध रखने वाला व्यक्ति वो चाहे वर्कर होवे चाहे लीडर होवे वो चाहिए। और मैं एक कदम अगे जांदिया होया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे जाखड़ साहब दे राहुल जी दे सोनिया जी दे और समुची लीडरशिप दे अगे एक बेनती करांगा कि मेरी समझ मुताबक या इत्थे जिहड़े 12 तो 15 कौंसलर हाजर न उहनां दी समझ मुताबक अश्विनी कुमार पप्पू समर्थ और योग्य उम्मीदवार है अमृतसर जिला कांग्रेस की प्रधानगी चलाने वाला। ये गल मैं नहीं कहता, कांग्रेस हाई कमांड ने अश्विनी कुमार पप्पू की योग्यता समझदिया होया उन्होंने AICC का मैंबर नियुक्त किया सी और एक टाइम उन्होंने टिकट भी दिती नॉर्थ हल्के चो, बेशक वो बाद च कट्टी गई
पप्पू जी ने 22 बर्थ कांग्रसी होने का सबूत देंदिया होया कोई किंतु परंतु नहीं किया। जिहड़ा व्यक्ति कांग्रेस हाई कमांड दी अखां दे विच इह गल लई संतुष्ट करन च सफल सी कि उन्हों AICC का मैंबर लिया गया ते जिला कांग्रेस का प्रधान ते उस तो बहुत छोटी गल है। असी चाहवांगे कि जिला कांग्रेस का प्रधान कांग्रेस परिवार का कोई व्यक्ति होवे जिदा कांग्रसियां दे नाल सुख दुख ते शहरियां दे नाल जीन मरन सांझा होवे। मैं एक बार फिर कांग्रेस हाई कमांड अगे अपील करांगा जिदे विच साडे स्थानीय मंत्री ओम प्रकाश जी सोनी, सुनील दत्ती जी, डॉक्टर राजकुमार जी, नवजोत सिंह जी सिद्धू, साडे MP ओजला जी और बलारिया जी। मैं ये तुहानू दसना चाहना कि मैं बलारिया जी नू ओ मुख्यमंत्री साहब दे सलाहकार अपनी राय साथियों नाल करन तो बाद अवगत करा चुका कि पप्पू जी नू प्रधान बनाया जावे कि शहर चंगी तरह चल सके। मैं मंत्री ओम प्रकाश जी सोनी और सीनियर लीडर जुगल जी दे भी ध्यान च लिआंदा कि पप्पू जी योग्य उम्मीदवार ने। यह सारिया गल्लां अज करन दा मकसद एहो ही सी कि जिहड़ा संदेह है वह दूर होवे और कांग्रेस पृष्ठभूमि दे व्यक्ति नू कांग्रेस अमृतसर का प्रधान बनाया जाए, क्योंकि जिला कांग्रेस कमेटियां पंजाब कांग्रेस कमेटी भंग हो चुकी है AICC के हुक्मां मुताबक और जल्दी प्रधान की नियुक्ति होनी है। भविष्य दीयां चुनौतियां का सामना करन लई कोई कर्मठ और जन आधार वाला व्यक्ति ही कांग्रेस नू चला सकता। इन्हां शब्दां दे नाल मैं समझना कि जो मैं कहा सारिया कौंसलर साहबान की और इत्थे मौजूद सीनियर कार्यकर्ताओं की सहमति होएगी। मैं प्रेस अगे भी बेनती करांगा कि वो जो असी किया ओहो ही प्रकाशित करन, ओहो ही टैलीकास्ट करन, ताकि कोई गल बाद तोड़ मरोड़न वाली गल कहन दा किसे नू मौका ना मिले। मैं एक बारी फिर सारियां दी राय तो तुहानू अवगत करा दिता। अगर मैं समझना मेरी राय तो किसी की राय अलग है तो तुसी उन्हें पूछ सकते हो। जय हिंद। मैं कह रहा जी अश्विनी कुमार पप्पू नू जिहड़ा भी कोई BJP की पृष्ठभूमि चो कांग्रेस एंटर करेगा तो ओदा असी विरोध करने। राजबीर शर्मा जी का नाम आ रहा जी, मैं राजबीर शर्मा का नाम आ रहा। चुप रही एक मिनट। जो कि सारे सानू कौंसलरां नू और कांग्रसियां नू संदेह लग रहा पिछले दिनों अमृतसर शहर गलियारे विच जो चर्चा का विषय बनया रहा है कि कोई BJP तो आया सुभाष शर्मा मेयर का भतीजा जो कि डेपुटेशन ते कांग्रेस दे विच आया राजवीर शर्मा, वो जे उन्हू कांग्रेस पार्टी उन्हू अमृतसर डिस्ट्रिक्ट शहर का प्रधान बना के साडे सिर ते बिठाएगी वो असी लोग कभी उन्हें कबूल नहीं करांगे, क्योंकि वह कांग्रेस ना कोई लेना देना नहीं है। वो चंद दिन जबकि मैं तुहानू ये भी दस दिना वो कांग्रेस का मैंबर भी नहीं है, जबकि जब प्राइमरी मैंबर भी नहीं है। इस करके साड़ी मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अते पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ जी अगे बेनती है किसी भी कांग्रसी नू प्रधान बनाया जाए। और जो मेरे सीनियर कौंसलर मेरे बहुत मानयोग साथी अरुण कुमार पप्पल जी ने कहा, चोपड़ा जी ने कहा और साढ़े सारे साथियों की राय है कि जो भी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के किसी एक वर्कर नू चुन के साडे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट प्रधान की साडे मातृभूमि जो हाल बाजार विच साडा कांग्रेस भवन है उत्थे किसी BJP नू आपां बैठा RSS दा बंदा सी नहीं बर्दाश्त करदे। हाई कमांड ट्रिंका जी बना दिंदी है तुसीं वल मान लो तुहानूं ते अजे संदेह ही आ, अगर जे बना दिंदे फिर की करोगे भैया? असीं उसदा जवाब चोपड़ा जी ने दिता है कि उसदे पैरलर असीं अपने अमृतसर शहर का एक नुमाइंदा चुन के असीं उहदे उहनूं प्रधान नियुक्त करांगे और शहर के विच उहदे कोल कार्य प्रणाली वर्करां दी उहदे कोल कम्म लवांगे वर्करां दा। पार्टी हाई कमांड बनाएगी तो तुसीं पार्टी दा फिर विरोध करोगे? नहीं, पार्टी का विरोध नहीं करांगे। अहीं जन्मजात कांग्रेस आ पर कांग्रेस हाई कमांड नूं इहो हाथ जोड़ के बेनती करांगे कि जिस नूं भी बनाया जावे वो कांग्रसी खून होवे और कांग्रसी ही होवे। इन्ना डर क्यों है कि प्राइमरी मैंबर नहीं गाओ ते उहनूं बनाउण दी? डर इस करके है, डर इस करके है कि गलियारे चर्चा है कि अगे भी शहर दे विच जिहड़े साडे BJP अकाली
मैं खुल के कह रहा जेडे कि बीजेपी उन्होंने शहर के रौला पै गया कि उन्होंने 7 करोड़ रुपया देकर चेयरमैनी ली है। अज फिर वो ही माहौल शहर के गर्मा गर्म हो गया। पैसों का ना नहीं लेंगे। प्रियंका जी जवाब देना, असी कोई पैसे का आरोप नहीं लगा रहे, असी कोई ऐसी मिथ्या गल नहीं कर रहे कि जेड़ी गल प्रमाणित ना हो सके, लेकिन असी यह कहने कि जिस बंदे दा पब्लिक डीलिंग होवे, पब्लिक रिलेशन होवे, उदा जन आधार होवे, उदा प्रशासन ते नियंत्रण होवे, क्योंकि लोगों के काम प्रशासन ने करने ने, और पप्पू जी का प्रशासन के नाल पूरी तरह वधिया तालमेल है। एक बार वो आप काउंसलर रह चुके हैं, एक बार उन्हां दी वाइफ काउंसलर रह चुके हैं, उस आदमी की पब्लिक डीलिंग है, और असी सारे ये गल महसूस करने भविष्य दीयां चुनौतियां नूं सामने रखदे होया कि अश्विनी कुमार पप्पू जिहड़ा वा वो एक योग्य ते फिट कैंडीडेट है। हाई कमांड अगर साडी गल नहीं मन्नेगी ते असी हाई कमांड नूं मिलांगे, लेकिन असी ये चाहते हाँ हर पार्टी का एक सिस्टम है, ता ही राजनीतिक पार्टियां चलदियां कि जिस बंदे ने जिस पार्टी दे विच एक कार्यकर्ता तो मेहनत की है उहदी ही प्रमोशन होनी चाहिए है। असी तो यह कहने कि AICC दे मैंबर दे तौर पर भी पप्पू जी ने काम किया, उन्होंने टिकट भी मिली, और जिला कांग्रेस पृष्ठभूमि दे व्यक्ति नू जिहड़ा वा अमृतसर कांग्रेस का प्रधान बनाया जाए। कोई रिटर्न मैं इस तरह जी।